है। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूड़ी कचौड़ी और इस तरह के जो यहाँ के हमारे बुआ के बच्चे हैं बच्चियां हैं वो सब लगी हैं और जो भी हमारे पड़ोसी हैं और हमारे जो कजन्स वगैरह हैं वो भी सब लगे हुए हैं पूड़ी पकवान बनाने में। जिस तरह का जो प्रोग्राम है कल्चरल प्रोग्राम गांव में अक्सर होता रहता है जब भी शादियां होती हैं, इसको वह सिलमायल के नाम से जानते हैं। फिलहाल हमारे चाचा के लड़के की शादी है जिसमें हमारे सभी चाचा के लड़के हैं, इसमें 5 लोग रहेंगे और सामने जो है वो पंडित जी हैं हमारे। इसमें गाइस एक्चुअली 5 लोगों की बहुत ही जरूरत होती है, सख्त जरूरत होती है। इसको 5 लोग पकड़ते हैं और पीछे से देखिए 5 का ही पंजा है जो आपका देखिए हाथ है, इस पंजे से ही ठप्पा लगाते हैं। हमारी बुआ जी लगा रही हैं 5 के पंजे से ही इसको सबको बारी बारी से 2-2 ठप्पे जो है इस पर लगाए जाएंगे पीठ पे। गाइस ये भी एक शुभ कार्य होता है, इसको भी करना जरूरी होता है। फिलहाल गाइज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए बांस का एक कड़ा हुआ बांस, मतलब गाइज जो अपने यहाँ जो बांस वाला पौधा नहीं होता उसको बीच में गाड़ते हैं शुभ कार्य के लिए। और साथ ही गाइज उसके अंदर जो भी चीजें होती हैं देखिए मैं क्लोजअप के साथ दिखा दे रहा हूँ, ये सब आप देख लीजिए। गाइज ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, शिल मतलब पत्थर का पूजन होता है, शिल का मायन होता है। तो गाइज उसमें 2 शिल रखते हैं और माता और पिता दोनों साइड बैठ जाते हैं, एक साइड में चावल रखा जाता है और एक साइड में गाइज जिसे दही बड़ा बनता है वो वाली दाल रखी जाती है। तो दोनों लोग आपस में बारी बारी से घूम घूम कर इसकी पिसाई करते हैं। तो गाइज इस प्रकार से हमारे देखिए सामने पंडित जी बैठे हैं, तो गाइज पंडित जी इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि क्या क्या करना है। और इसमें परिवार के एक सदस्य को और शामिल होना पड़ता है जो माता पिता जी की जो होते हैं यहाँ एक्चुअली उनकी मदद करने के लिए होते हैं। और ये जो चुनरी वगैरह होती है इसको अपना इधर उधर उड़ाने के लिए जो पंडित जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पान ले आइए, ये करिए, चुनरी ले आइए, दीप जलाइए और थाली ले आइए, ये सब जो भी चीजें वो मंगा रहे हैं वो एक आदमी उनके असिस्टेंट के रूप में होना बहुत जरूरी होता है। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा एक छोटा सा लाइक करके। अभी तो शुरू हो गया पर। तो गाइज उसी क्रम में जो शगुन वगैरह होता है वो स्टार्ट हो गया। फिलहाल गाइज आज है सिलमायन का, जो लोग हमारे गांव के आसपास से बिलोंग करते होंगे हमारा वीडियो शूट तो गाइज हमारे चैनल सब्सक्राइब किए वो बात समझ रहे होंगे। गाइज जो अदर स्टेट्स वगैरह से हमारा चैनल सब्सक्राइब किए उनके लिए मैं बता दूँ, गाइज जब भी शादी होती है शादी के एक दिन पहले सिलमायन और मुट्ठी बंकरा जिसको तेल पूजन वगैरह भी कहते हैं गाइज वो किया जाता है यहाँ पे। और सिल मतलब है जो पत्थर पे उसको पिसाई खिसाई करके एक शुभ कार्य किया जाता है, जिसका वीडियो मैंने शूट कर लिया। फिलहाल गाइज मैं अपने इसमें घर के छत पे हूँ, गाँव वाले घर के,
छत पे हूँ जहाँ पे चाचा लोग रहते हैं फिलहाल। जो मैंने अभी ओकेजन शूट किया था, जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, वो यहाँ का शुभ कार्य जो होता है सिलमायन के लिए वो था। तो गाइज उसको भी मैं शेयर करूँगा। फिलहाल अभी यहाँ पे रहने वाला हूँ। यहाँ पे जो कार्यक्रम के लिए और भी जो चीज़ें आयोजित की जाएंगी उसको भी मैं शूट करूँगा साथ ही साथ। गाइज यहाँ पे जो मैं अभी खाने पीने का जो प्रबंध था उसको मैंने शूट कर लिया कि क्या क्या बनाया जाता है। गाइज आज के दिन कुछ विशेष चीज़ें ही बनाई जाती हैं जिसको बड़ा बोलते हैं। गाइज हम लोग जो खाते हैं दही बड़ा खाते हैं उसको बनाया जाता है। फिलहाल गाइज पूड़ी कचौड़ी ये सब चीज़ का भी मीठे यानी पकवान का भी इंतजाम होता है। तो गाइज रही मेरे साथ क्या क्या खाने में बनता है, क्या क्या खिलाया जाता है आज के दिन और कौन कौन खाता है उसको भी दिखाएंगे। तो गाइज यहाँ पे जो अभी गाना वगैरह शगुन का गाना वगैरह जो गा रही थी हमारे अगल बगल की चाची वगैरह थी। फिलहाल मैं इसमें छत पे था, चलिए नीचे लेके चलते हैं दोबारा से आपको नीचे। तो गाइस देखिए सबसे ज़्यादा जो रूल तोड़ने वाले हैं वो पुलिस वाले हैं। और देखिए ये कहीं किसी कानून में नहीं लिखा है कि आगे एक नंबर प्लेट पे पुलिस लेकर के लिखा। फिलहाल गाइस इस पे क्या प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ये बाइक मैं रिवील नहीं करूँगा किसकी है। और इधर देखिए ये भी पुलिस भाई की ही गाड़ी है। ये देखिए दो पुलिस वाले, दोनों का नेचर अलग अलग है। तो गाइस जिन गायों का प्यारी प्यारी गायों का हम दूध पीते हैं यहाँ पे आने के बाद चाचा जी के पास, वो यही हैं, बैठे रहो भाई। ये देखिए गाइस उठ गई, ये तो अच्छा नहीं किया मैंने फिलहाल। और इधर है अपनी गौशाला जहाँ पे गायें हमारी बांधी जाती हैं। ये देखिए एकदम शांत है। तो भाई जिस तरह हमारी भैंस बंधी हुई हैं और बगल में थी गाय और उसका गौशाला था, साथ ही साथ गाइस यहाँ पे जो सरसों वगैरह की खेती है, मस्टर्ड ऑयल वाली खेती थी उसकी यहाँ पे बड़ी पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। इधर गाइस देखिए हमारे दूसरे चाचा जी की गौशाला है जहाँ पे गायें बंधी हुई हैं। ये एकदम लगातार दो दिन आपको यहीं के ब्लॉग मिलने वाले हैं गांव के, क्योंकि मैं यहीं के ब्लॉग शूट करने वाला हूं, बाहर कहीं जाने वाला नहीं। क्योंकि चाचा के लड़के की आज जो शगुन वाली बात थी, जो सिलमायन वाली, उसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और कल मैं शादी का ब्लॉग शेयर करूंगा। हालांकि गाइज इसके पहले मैंने उसके सगाई का ब्लॉग ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया, आपने बहुत सारा प्यार दिया। गाइज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप चैनल पर इतनी देर रुक ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, इससे मिलेगा मुझे मोटिवेशन। और यहाँ पे देखिए हमारे भाई लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये लोग भी यहाँ पे शरीक होने के लिए आए हैं। फिलहाल गाइज लोग शाम को चले जाएंगे लेकिन कल सुबह फिर से आएंगे। तो इस गायों के लिए जो खास के इंतजाम कृत्रिम तरीके से जो बुआई की जाती है, लग गया है गायें बाहर चरने के लिए नहीं जाती हैं तो उनके लिए घर पे ही घास वगैरह की बुआई की जाती है। तो गाइज यहाँ पे भी आ गए थे हम नेचर का अपडेट लेने के लिए। पिछली बार इस मौसमी का हमने फल खाया था और इस बार देखिए मौसम अभी मौसमी का आया नहीं है, यहाँ पे गर्मियों में आ जाएगा। फिलहाल फूल वगैरह इसमें लगने शुरू हो गए, काफ़ी ज़्यादा फूल इसमें लगे हुए हैं इस समय भी। चलिए मैं क्लोजअप के साथ थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये बहुत ढेर सारे फूल लगे हैं, इसके जस्ट बाद फल इसमें आने वाले हैं, ढेर सारे आने वाले हैं। तो गाइस जो काऊ डंग का कलेक्शन होता है जस्ट लाइक दिस, ऐसे ही सारी काऊ का कलेक्शन हो जाता है और यहाँ पे रखे रखे गए ये कंपोस्ट बन जाती है, इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगे मैया।